न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैसूर के शहरियान को एक मुबारकबादी। मिला स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल पिछले 22-23 साल से अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स करवाते हुए आ रहे हैं। ऑलमोस्ट कर्नाटका के सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे इन कॉम्पिटिशन्स में नौजवान स्पोर्ट्समैन हिस्सा लेते हुए आ रहे हैं। पिछले 2 साल से कोविड होने की वजह से इन प्रोग्राम ना हो पाए हैं। अभी हमारे जो काउंसिल के सदर जनाब नसीरुद्दीन बाबू, अलहाज नसीरुद्दीन बाबू साहब और सेक्रेटरी साहब मुजाहिद अलियास अलहाज मुजाहिद अलियास मुजू और हमारे दीगर अहबाब जैसे मौलाना इब्राहिम साहब, असलम, नूरुल्लाह, इलियास भाई, मोहम्मद हमारे साखिब, ऐसे दीगर बहुत सारे हमारे जो ट्रस्टीज जो है इसके अंदर अपना जान और माल लगाकर जो है इसे कामयाब करते हुए आज तक ये इसको जो है स्पोर्ट्स को यहाँ तक लाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये हमारा जो स्टेट लेवल स्पोर्ट्स पूरे कर्नाटक के अंदर वाहिद ये मिला जो है ये कमेटी के वजह से यहाँ पर होता है। और कहीं भी ऐसा स्पोर्ट्स माशाल्लाह बहुत सारे स्पोर्ट्स हमें करवाते थे, अब दीगर वजूहत की वजह से जो है सिर्फ 4 को लाकर है। सबसे पहले क्या है, हमारा सबसे बड़ा जो कंपटीशन होता है ये रेसलिंग कंपटीशन, जो कुश्तियों का कंपटीशन है, जिसके अंदर इंटर स्टेट से भी आते हैं, महाराष्ट्र से, पंजाब, हरियाणा, यहाँ से भी जो है पहलवान जो है हमारे कंपटीशन में हिस्सा लेकर हैं। तो रेसलिंग के साथ साथ जो है दूसरा बड़ा हमारा कंपटीशन होता है बेस्ट फिजिक कंपटीशन, जो बॉडी शो, वो भी जो है उसमें भी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट से बाहर महाराष्ट्र से भी और केरला, तमिलनाडु, पड़ोसी जो स्टेट्स हैं वहाँ से भी जो है हमारे स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा लेकर हमारे जो ये स्पोर्ट्स के अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त इनामात का निज़ाम है। कैश प्राइजेस के साथ साथ जो है उनको मेमेंटोज, सर्टिफिकेट, हमारी जो सर्टिफिकेट है माशाल्लाह इसका रिकग्निशन बहुत आला है। बहुत सारे आर्मी के सिलेक्शन में और कई इसके अंदर जो है हमारा कई पुलिस डिपार्टमेंट में रजिस्टर होने की वजह से हमारी जो सर्टिफिकेट जो हमें देती उसकी जो बहुत बड़ी मांग वैल्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों को जो है ये हमारा जो स्पोर्ट्स है ये अगर हमें थोड़ा भी अगर आगे पीछे कर दिए तो हमारे जिम्मेदारों को ये स्पोर्ट्समैनों की वजह से कॉल जाना शुरू हो जाते हैं, आप कब कर रहे हैं। अच्छा। तो इस मरतबा जो है बहुत सारे मसले थे, उसके बावजूद भी जो है हमारे हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो जो इनका जो है बहुत 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 बड़ा इनका इसके अंदर योगदान है, इनका जो रोल है, हमें इसके अंदर थोड़ा लापरवाही कर भी दिए तो ये जो है हम लोगों को इसके अंदर बहुत बड़ा इनका जानो माल भी लगता है माशाल्लाह। और बाहर से किसी से भी मेंबर्स वो और हमारे जो सदर साहब हैं हमारे अलहाज नसीरुद्दीन बाबू साहब, इन दोनों की जो है बहुत बड़ी इसके अंदर ये कुर्बानियां हैं और इनका जो माल जान और माल इनका बहुत बड़ा लगता है। ये हमारे दूसरे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके बहुत हम शुक्रगुजार हैं जो बच्चों की नौजवानों की हिम्मत अफजाई के लिए जो है इस प्रोग्राम को जो है बाकायदा हर साल जो है ये पूरे फिक्र के साथ अंजाम देते हुए। अच्छा, इस साल क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं सर, कब होने वाले हैं? हाँ जी हाँ, रेसलिंग के साथ बेस्ट फिजिक और क्रिकेट 38 का क्रिकेट है और उसके डेट्स साथ बताइए सर जी। डेट्स हाँ, डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। नाथ का जो है नाथ का कॉम्पिटिशन होता है, उसके वाहिद जिम्मेदार हमारे मौलाना इब्राहिम साहब है, उन और डिटेल मजीद इसमें आपको बताएंगे, वो 30 तारीख मिलन फंक्शन हॉल में है। और दूसरा जो है 38 क्रिकेट 1 और 2 तारीख अक्टूबर 1 और 2 को हमारे लिम्रा ग्राउंड में है, सैटरडे और संडे जी। और 2 अक्टूबर को
बेस्ट फिजिक कॉम्पिटिशन जो बॉडी शो है हमारे अलबदर सर्कल में जो एम्फी थिएटर है पार्क के अंदर जो पिछली मरतबे पिछले दो तीन साल से हमें वहाँ पर किए हैं वहीं पर फिर से जो है उसके साथ साथ जो है रेसलिंग कॉम्पिटिशन जो कुश्तियों का बड़ा एक दंगल लगेगा वो 7 और 8 तारीख को निमरा ग्राउंड जो निमरा मस्जिद के सामने है ग्राउंड। टाइमिंग्स क्या है सर? हाँ टाइमिंग जो है दोपहर 3 बजे से रात 10:30 बजे तक कुश्तियों का है। अच्छा इन प्रोग्राम्स का इनॉग्रेशन कौन कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह वो हमारे एमएलए साहब अलहाज तनवीर शेख साहब जो है उसका इनॉग्रेशन करेंगे इंशाल्लाह और दीगर दूसरे भी गेस्ट आ रहे हैं इंशाल्लाह उसके बारे में हमारे मौलाना आपको मजीद तफसीलात सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। तमाम शहरान मैसूर को खुशखबरी दी जाती है कि तकरीबन 22-23 साल से हमारा और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा सरकार दो आलम मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर रबी अव्वल में ये प्रोग्राम सम रखते हैं आका की इस मीलाद के मौके पर खुशी के मौके पर। तकरीबन ये हजरात 22-23 साल से इसके पीछे लगे हुए हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमारे सारी इंसानियत के लिए जो पैगाम है उसमें सबसे अहम पैगाम ये है कि आपस में मोहब्बत भाईचारगी भेदभाव इंसानियत के नाम पर सब मिलजुल कर रहने का पैगाम है। इसी पैगाम को लेते हुए ये हम रबीउल अव्वल की 12 तारीख से पहले ये प्रोग्राम हम कराते हैं और उसमें हर एक हिस्सा लेते हैं हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो हमारे यहाँ सब जो भी अपने अपने हुनर के माहिर हैं वो आते हैं और क्रिकेट का मैदान हो या कुश्तियों का हो या दूसरे बॉडी शो का ये हो फिर उसके बाद इसी के साथ साथ हमारी इब्तिदा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए एक नात का महफिल नात कायम की जाती है उसमें बहुत सारे बाहर से भी आते हैं दूसरे जो अशार में पढ़ने में आवाज़ में माहिर हैं माशाल्लाह वो आते हैं और एक अच्छा अंदाजे के बराबर अजीम उशान एक महफिल नात कायम की जाती है मिलाद वेलफेयर काउंसिल की जानिब से। अब इस मरतबा 2 साल से ये कोरोना की वजह से ये हमारा वक्फा हुआ फिर से हालात भी ऐसे हैं कि लेकिन खामोश रहना पड़ा तो इस मरतबा भी हम खामोश रहकर जो सैलाब के बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई बहनें जो दूसरी इंसानियत के सैलाब की वजह से परेशान हैं हम वहाँ मदद भी किए और ये भी वहाँ करना सोच रहे थे लेकिन लोगों का बहुत इसरार रहा कि नहीं आप जो है ना मिलाद के मौके पर हर साल करते हैं तो उनके इसरार पर फिर हमने बहुत सारे प्रोग्राम को कैंसिल करके सिर्फ 4 प्रोग्राम रखे हुए हैं इंशाअल्लाह वल अजीज इसमें हम बाहर से कोई चंदा नहीं लेते बल्कि ये जो हमारे 2-3 मेंबरान में सदर मोहतरम अलहाज नसरुद्दीन बाबू साहब और हमारे सेक्रेटरी सैयद मुजाहिद साहब फिर हमारे मुदस्सिर साहब फिर असलम साहब वगैरह जो अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक हम इसको जो है ना इसका ताउन करते हैं और इसी ताउन से ये सारी चीज़ें होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नात अजीम उशान महफिल नात पाक जो है तकरीबन हमारे जुमा के दिन बरोज़ जुमा आने वाली बाद नमाज मगरिब मिलन फंक्शन हॉल में तय पाया है और जिसकी सदारत हमारे शहर के सरकाज़ी अलहाज हजरत मौलाना अलहाज सैयद उस्मान शरीफ साहब दामत बरकातुम आलिया फरमाएंगे और फिर उसके बाद बेंगलोर से मेहमान खुसूसी के तौर पर हजरत मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब रशादी वाला जाए दामत बरकातुम आलिया और फिर हमारे शहर के काजी हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन साहब दामत बरकातुम आलिया फिर और दूसरे उलमा आ रहे हैं और इस मरतबा जो महफिल नात में पढ़ने वाले हैं वो नात के माहिर हैं माशाल्लाह मुख्तलिफ मकाम से तशरीफ ला रहे हैं इसलिए आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश की जाती है कि इस मुबारक महफिल में पुर रौनक महफिल में आप तमाम शिरकत करें
और मस्तूरात के लिए पर्दे का भी नज्म किया गया है। जुमा के दिन आने वाली जुमा 30 तारीख की बाद नमाज मगरिब फौरन मिलन फंक्शन हॉल में हम तमाम मेम्बरों के ये ताउन से ये प्रोग्राम रखा गया है। आप तमाम तरह से शिरकत की भी गुजारिश है और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला ये हमारा जुम्मा है रबीउल अव्वल शुरू हो रहा, अल्लाह इसकी बरकत से सारे आलम में सुकून इत्मीनान और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपस में भाईचारगी मोहब्बत नसीब फरमाए, खुसूसन जो तकालीफ मुसलमानों पर हैं अल्लाह ताला उन तमाम तकलीफों से मुसलमानों को बरी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सर एक आखिरी खिदमत जारी है जी, इसमें कहीं बाहर से स्पॉन्सरशिप वगैरह होती है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं, कहीं से कोई कहीं से चंदा भी नहीं और कहीं से ताउन भी नहीं, और अगर कोई देना भी चाह रहे हैं तो हम नहीं लेते। ये जो है ना सिर्फ कमेटी के हजरात, कमेटी में भी जो है ना सिर्फ 3 या 4 अफराद बिल्कुल इखलास से किसी को बोले बगैर जो है ना वो अपना उनका ताउन। सर सिर्फ स्पोर्ट्स के 5-5 लाख रुपए है मेला को खर्चा था जी, हमें सदर साहब कमेटी है ना जी, पूरे दिन एक साथ करती ये मई कर रो नो कर रही सब बगैर बात था। हमारा सदर साहब क्या नगर महबूब भाई अपनी ताकत से हमें ही माशाल्लाह, उनकी ताकत दे तो हमें नहीं बिल्कुल। ये 5.5-6 लाख रुपये खर्चा था सदारत अमर धनवीर शेख साहब भाई उनके तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से ही मदद मांगते हैं। कोरोना के होने की वजह से हमारा मिलत स्पोर्ट्स 2 साल से नहीं हुआ था, ये 3रा साल हमें अल्लाह का एहसान है, इतनी बड़ी बीमारी को अल्लाह दूर करया, इसका बहुत 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 शुक्र गुजार है। हमें सब भी पूरी कौम इसकी शुक्र गुजार है, इतनी बड़ी बीमारी से अल्लाह नजात दिलाया हमने। अब वो परसों जो बारिश की होने की वजह से बहुत रूरल एरिया में तबाही भी बहुत, उसका भी हमने हमारे पूरे कमेटी के मेम्बर्स को बहुत अफसोस है। इस बार भी हमें जितना भी है हमें फंड डाल को पूरे मेंबर्स साहब सभी मिलकर हमें ये भी एक कमुट कान इसमें तबाही ज्यादा है वहाँ पहुँचाना था, लेकिन पब्लिक के डिमांड की वजह से इस बार अल्लाह का एहसान भी है और स्पोर्ट्स को बहुत जने जगती है। हमारी जो रजिस्टर्ड कमेटी है जो कमेटी है रजिस्टर्ड कमेटी और इसकी सर्टिफिकेट बहुत मायने रखती है, इसकी वजह से बहुत नौजवान साथ ये स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के वास्ते आगे बढ़ पा रहे हैं। जैसे आप हमारे BLLB एडवोकेट मौलाना हमारे सेक्रेटरी साहब मुफ्ती साहब बोले इतना बड़ा इनका कारोबार है, ये कारोबार को ये स्पोर्ट्स की वजह से इसे कारोबार को रद्द करते हुए हमारे साथ पूरे 15 या 20 दिन में अपना वक्त देते हैं, वक्त भी देते हैं इसमें अपना जानो माल जान का माल का हर एक वक्त का सबका भी कुर्बानी देते हैं, इनका बहुत बड़ा किरदार है इसमें। और हमें किसका ने भी सिवाय हमारी कमेटी के यार नगर के डॉक्टर साहब महबूब साहब छोड़े को ये हमारी कमेटी से खर्चा बर्दाश्त करते हमारे सबसे और दूसरा क्या है तो सब पूरे इसमें जुड़ को एक साथ हो ये उसको आगे बढ़ा रही है। इसमें आपके माध्यम से हम ये रियासत हुकूमत को भी एक पैगाम देना चाहते हैं, ये हर एक जो भी करते हैं उसमें गवर्नमेंट से भी इसमें सब देते हैं, इसके वास्ते हमें गवर्नमेंट को भी नेक्स्ट इंशाल्लाह एक लेटर देते हैं, आप भी आला पैमाने को हमें स्पोर्ट्स को आगे बढ़ेंगे सब मिलकर मौलाना। और इसमें क्या है नाते शरीफ है जिसमें मुफ्तियाँ खारियाँ और ऑफिस कुरान उन सब भी पूरे इसमें शामिल होती है नूरानी महफिल। इसमें मैं आजाना हमारे आवाम को एक मैसेज एक रिक्वेस्ट एक आजाना गुजारिश क्या है कर पूरे जने आपको ये जलसे ये नाते शरीफ को कामयाब करना है, तो मैं बिल्कुल अपील कर लेता हूँ।
उसके तरफ से, और ये जितना भी जो भी हमें सपोर्ट करती है हमारी कमेटी और हमारी कमेटी के मेंबर्स होंगे, किसी कहने भी जाको हमें स्पोर्ट्स खिलाड़ी अपना चंदा जोकर को 23 साल से हमें पूछे नहीं और पूछते भी नहीं इंशाल्लाह, और सब हमें अमीर पैसे डाल लेते हैं, हमें स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा। बिल्कुल सर, क्विज और कंपटीशन ऐसा भी कर सकती ना सर, करते तक क्यों नहीं करे इंशाल्लाह, स्पोर्ट्स के बारे में अहमियत दे रही ना, तो थोड़ा बहुत दूसरे स्टूडेंट्स भी ऐसे रहती है उनको भी एक सहूलत होती है, क्विज कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन भी वो इससे वो हमें की वो पेंडिंग रह गए थे सर, हमारी कमेटी रजिस्टर्ड होकर नहीं थी, अब हमारी कमेटी रजिस्टर्ड होकर है, अब सबको भी अब हमें सभी वो खिलाते सर इंशाल्लाह। सर ये पार्टिसिपेंट जो भी रहते हैं उनका इंश्योरेंस का कुछ फैसिलिटी करते हैं आप कि जब तक इवेंट होता है तब तक उनकी फैसिलिटी के वास्ते कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है आपके पास? नहीं, इंश्योरेंस नहीं, हमारा क्या है फर्स्ट एड हमें जी, अब वहाँ पर जो है हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सबसे पहले हमें पुलिस का बंदोबस्त पूरे लीगल परमिशन के साथ हमारा जो ये चलता स्पोर्ट्स जी, और हमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को भी जो है इन्फॉर्म करके रहती जी, एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी रहती है जी, क्या भी अल्लाह ना करे ऐसा एक्सीडेंट क्या भी हो गए तो इमीडिएटली उनको शिफ्ट करने के वास्ते प्रिकॉशनरी मेजर्स ले करते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हमें ये करना, इंश्योरेंस का क्या भी वैसा ये नहीं है इसके अंदर जी। ओके, सबसे पहले हमारे जो जिम्मेदार है यहाँ पर बैठे हैं बड़े अच्छे अंदाज में मैसूर के अंदर जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने में बड़ी उमस के साथ बहुत अच्छे अंदाज में नबी की शान में ये हमें कर लेगा रही, करीब होगा एक 15 साल के ऊपर होगा, 20 साल के ऊपर होगा, लगभग 20 साल के ऊपर होगा, 20 साल से भी बड़े अच्छे पैमाने पर हमें नबी की शान में कर लगा रही। चंद एक 2 साल में जो कोरोना का एक उबाल आया उस वजह से हमने रुकना पड़ा, और ना इस अच्छे से अच्छे हर साल पे अच्छे से अच्छे पैमाने पर जो हमारा जिम्मेदार कर लेगा।